मुझे अपने गुंडों को बरी कराने का काम आसान हो गया। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि भाई ये जूरी सिस्टम चलेगी तो जमींदारी खत्म हो जाएगी, और उन्हें हर हाल में जमींदारी सिस्टम को बचाना था, इसलिए उन्होंने जूरी सिस्टम खत्म कर दी। तो उन्होंने नाणावटी के केस को एक्सक्यूज बनाया। हकीकत में देखो तो नाणावटी के केस में नाणावटी किस सेंस में इनोसेंट था कि उस समय जूरी ने ऐसा नहीं कहा कि ये इनोसेंट है, जूरी ने ये सोचा कि इस आदमी को हम कहेंगे कि ये गिल्टी है तो जज इसको फांसी पे चढ़ा देगा। नाणावटी ने जो क्राइम किया था किसी आम आदमी से पूछो तो वो कहेगा कि हाँ क्राइम किया है। कितनी सजा होनी चाहिए कि भाई फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आदमी नेवी का अफसर था, वो भी करोड़पति, उस समय के करोड़पति, उस समय के करोड़पति व्यक्ति के संतान यदि सेना में जाती है और वो भी नेवी में, तीनों सेना में सबसे ज़्यादा कठिन जिंदगी नेवी की होती है। महीनों तक तुम्हें फैमिली से दूर रहना पड़ता है सबमरीन के अंदर या जहाज के अंदर। तो इस आदमी को, और सामने जो दूसरा केस था आहूजा जो भी उसका नाम हो, वो एकदम कमीना आदमी था, तो उस आदमी को मार दिया तो लोग बोलेंगे अच्छा क्या मार दिया, मेरी ओर से एक गोली और चला देनी थी। तो जो इस केस में आम आदमी ने जो डिसीजन लिया वो ठीक लिया कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, पर जूरी को ऑप्शन क्या था कि भाई इस आदमी को फांसी देनी या नहीं? जूरी को ये ऑप्शन ही नहीं दिया गया कि आप 5 साल की सजा दो, 7 साल की सजा दो, 10 साल की सजा दो या फांसी की सजा दो। मैंने जो जूरी सिस्टम प्रपोज किया उसमें सजा जूरी तय करेगी, जज तय नहीं करेगा, क्योंकि जज अधिकतर रिश्वतखोर होते हैं, वो उनके रिश्तेदारों से उनके सांठगांठ होती है। तो उस समय इसलिए जो 9 लोग उस समय जूरी में थे उन्होंने देखा कि यदि हम गिल्टी का जजमेंट देंगे तो जज उसको लटका देगा, पर इस आदमी को हर हाल में फांसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने नॉट गिल्टी का जजमेंट दिया। और अंत में रिट्रायल हुआ तो जज ने उसको फांसी की सजा दी और नेहरू ने उसको बरी कर दिया। तो भाई जब नेहरू ने बरी किया तब वो अच्छा आदमी था, और जहाँ यहाँ जूरी ने उसको बरा किया तो वो सब गलत आदमी हो गए। नेहरू ने क्यों बरी किया? क्योंकि वो आदमी बहुत सीनियर पोजीशन पर आ चुका था, वो बोलता कि भाई तुम मेरे को फांसी की सजा कैंसिल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बहुत सारे भ्रष्टाचार एक्सपोज कर दूंगा पब्लिक में। जो नेवी पे सीनियर पोजीशन पे होता है उसके मंत्रियों की बहुत सारी इधर उधर के कच्चे चिट्ठे उसके पास होते हैं, इसलिए नेहरू को उसको पार्डन देना पड़ा। और दूसरा, वो पार्डन के हकदार भी क्यों था कि इसे बोलते हैं कि आदमी आवेश में आकर यदि हत्या करता है किसी की तो फांसी की सजा अधिकतर देशों में नहीं होती। फांसी की सजा कब होती है कि जब आदमी ठंडे कलेजे खून जो कहते हैं कि एकदम सोच समझ के बिल्कुल ठंडे दिमाग से पैसे के लिए प्लानिंग के साथ मर्डर करता है तभी उसे फांसी की सजा दी जाती है। तो नाणावटी केस अपने आप में मैं कहूँगा अच्छा केस था कि जूरी ने समझदारी का सबूत दिया कि इस आदमी को फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए, नहीं दी। और जूरी सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत थी कि भाई जूरी के पास पावर होना चाहिए कि 5 साल की सजा, 3 साल की सजा, 7 साल की सजा, 10 साल की सजा या फांसी की सजा, तो जूरी ने उसे 5-7 साल की जेल की सजा दे दी होती। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का मोटिव क्या था और सुप्रीम कोर्ट के जजों का मोटिव क्या था कि उन्हें हर हाल में जूरी सिस्टम खत्म करनी थी, उन्होंने इस केस को लेकर जूरी सिस्टम खत्म कर दी। अब हम जूरी सिस्टम का ग्लोबल ओवरव्यू लेते हैं तो कौन कौन से देशों में जूरी सिस्टम है। मैं देश के दुनिया के एक कोने से शुरू करता हूँ। कनाडा में जूरी सिस्टम है, अमेरिका में जूरी सिस्टम है, और बाकी लैटिन अमेरिकन सिस्टम में कहीं भी नहीं है। मैक्सिको वगैरह में जूरी सिस्टम नहीं है। तो कनाडा, अमेरिका, उसके बाद स्पेन में जूरी सिस्टम है, पोर्टुगल में है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, स्कैंडिनेविया के चारों देशों में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, चारों देशों में है। उसके बाद इटली में जूरी सिस्टम है, और रशिया में 90 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से कुछ 15 डिस्ट्रिक्ट में जूरी सिस्टम है, और बाकी में जान लाने की मांग चल रही है। अफ्रीका में कहीं जूरी सिस्टम नहीं है। भारत में जूरी सिस्टम थी, ख़त्म कर दी गई। और ऑस्ट्रेलिया में जूरी सिस्टम है, न्यूजीलैंड में जूरी सिस्टम है, जापान में जूरी सिस्टम लाई गई 2010 की साल से। उन्होंने भी देखा कि भाई जज सिस्टम में बहुत भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद चलता है। जापान की सोसाइटी इस तरह की है कि लोगों ने गालियां नहीं दी, और न्यायाधीशों में भी देखा कि भाई गालियां दे, लोग गालियां दे उससे पहले ही सुधर जाओ। तो वहाँ जूरी सिस्टम आई, लोगों ने मांग की और जुडिशरी ने विरोध भी नहीं किया। और चीन में भी अभी जूरी सिस्टम आ रही है। चीन में जूरी सिस्टम काफ़ी कंस्ट्रेंड है, एक बहुत ही कमज़ोर जूरी सिस्टम है, उसे अमेरिका की तुलना में तो बिल्कुल वीक जूरी सिस्टम है। पर फिर भी उन्होंने क्यों जूरी सिस्टम लाई, थोड़ी तो थोड़ी, कि उन्होंने देखा कि भाई जुडिशरी के जो करप्शन का और नेपोटिज्म का प्रॉब्लम है
वो अनकंट्रोलेबल है। दुनिया में आज तक कोई भी आदमी ये सॉल्यूशन नहीं दे पाया कि जस्ट सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए। जस्ट सिस्टम हैज़ टू बी एंडेड, इट कैन नॉट बी मैंडेड। वो यूटोपियन जज का जो कंसेप्ट है कि एक ऐसा ईमानदार जज आएगा जो अपने रिश्तेदारों को फेवर नहीं करेगा, अपने दोस्तों को फेवर नहीं करेगा, वो रिश्वत नहीं लेगा, मतलब ऐसा दुर्योधन, ऐसा धृतराष्ट्र आएगा जो कि कभी दुर्योधन की फेवर नहीं करेगा, ऐसा ऐसी जुडिशरी, मतलब हजार में से एक दो जज ऐसे मिल जाएंगे, होंगे, मैं मना नहीं करता, पर इस तरह से एक्सपेक्ट करना कि हजार में से मेजोरिटी यानी 700 800 900 जज ऐसे होंगे, ये यूटोपियन कंसेप्ट है, बेवकूफ़ी। यूटोपिया शब्द का अर्थ होता है बेवकूफ़, ये बेवकूफ़ी वाली बात है, मुमकिन नहीं। इसलिए चाइना में भी अब जुडिशरी मारेगा। और आप देखो, यही देश है जहाँ पे क्राइम कम है, डेवलपमेंट ज़्यादा है, करप्शन कम है। कि मैंने आपको देश गिनाया, फिर से गिनाता हूँ, कैनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड, पोर्टुगल, फ्रांस, जर्मनी, इटली और चार लैटिन अमेरिकन कंट्री, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान, और अब चीन में धीरे धीरे ज्यूरी सिस्टम आ रही है। हांगकांग में भी ज्यूरी सिस्टम है। हांगकांग में भी अंग्रेजों ने ज्यूरी सिस्टम इसलिए रखी क्योंकि अंग्रेजों देखते थे कि यदि सारा पावर हमने यदि हमारे अफसरों को दे दिया तो अफसर वो लोगों को लूट लेंगे, हमारी बदनामी होगी, हमें हांगकांग छोड़ना पड़ेगा। अब इंडिया के इस करप्शन जो है उसमें उन्होंने हांगकांग का एग्जांपल दिया कि हांगकांग में लोकपाल आया, करप्शन कम हो गया। भाई हांगकांग में करप्शन इसलिए कम हो गया क्योंकि वहाँ ज्यूरी सिस्टम है, वहाँ पे ज्यूरी ने लोगों को जेल में भेजना शुरू किया, इसलिए वहाँ पे करप्शन कम हुआ। और ऐसा नहीं है कि लोकपाल तो फिलीपींस में भी है, वहाँ क्यों करप्शन कम नहीं हो रहा? ऊपर से फिलीपींस में तो करप्शन इंडिया से ज़्यादा है, बहुत सारे देशों का लिस्ट देख लीजिए वहाँ पे लोकपाल है। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि आप अक्सर जो कल्चर की बात करते हैं कि करप्शन कल्चर में तो आप मैक्सिको में जाइए, मैक्सिको में पुलिस है वो मार पिटाई करती है, पैसा लूट लेगी, सब कुछ, जो मतलब गुंडे और पुलिस में वहाँ कोई फ़र्क नहीं है। और मैक्सिको से आप कार से शुरू कीजिए और जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होगी दूसरी तरफ टेक्सास है, तो वहाँ पे ऐसे इस तरह के आपको कोई क्राइम्स नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि बॉर्डर के आप कल्चर का मतलब होता है कंटिन्यूटी। चलो आज कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन आज से 150 साल पहले तो कंटिन्यूटी थी, एक जमाने टेक्सास भी मैक्सिको का हिस्सा था। तो जहाँ पे ज्यूरी सिस्टम आई वहाँ पे महीने दो महीने में करप्शन कम हो जाता, क्राइम कम हो जाता है। तो कल्चर तो वही था जो डेढ़ महीने पहले था, कल्चर तो डेढ़ दो महीने में बदल नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, ये क्राइम और करप्शन का जो प्रॉब्लम है वो व्यवस्था पर डिपेंड करता है। यदि व्यवस्था इस तरह की है कि गुंडा है वो आसानी से जज के साथ सांठगांठ बना सकता है और उसके द्वारा वो खुद को और अपने सारे गैंग मेंबर को एक के बाद एक रिहा कर सकता है, तो वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होगा, करप्शन ज़्यादा होगा। अब जो मैंने आपको ज्यूरी के बारे में हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन दी, तो इंडिया में भी ज्यूरी सिस्टम ला सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। जो 6 साल चली उसमें किसी ने नहीं बोला था कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। और यदि जज बोलता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है तो राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जज निकाल दो नौकरी से उसको, ऐसे जज को लाओ कि जो जजमेंट दे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। और राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज है वो तो बहुत सारे वकीलों को मैंने दिखाया, आप भी दिखा सकते हैं, किसी भी वकील को वो पढ़ने से ही मना कर देंगे। लेकिन यदि गलती से पढ़ लिया तो उसमें से कोई गलती नहीं निकाल पाएंगे कि इसमें से कौन सा क्लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब जो मैंने ज्यूरी सिस्टम का प्रपोजल दिया है उसमें कुछ कुछ केस में, मर्डर के केस में, बलात्कार के केस में, छेड़खानी के केस में, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो ऑफिस वगैरह में होता है उस केस में ज्यूरी को पावर दिया है कि वो नार्को टेस्ट ले सके पब्लिक में, यदि उन्हें लगे कि भाई इस केस में कुछ सच्चाई है। बहुत सारे केस है कि जिसमें सबूत मिलना, मटीरियल सबूत मिलना मुश्किल होता है कि विटनेस कहाँ से मिलेगा, छेड़खानी का केस हो या उसमें विटनेस कहाँ से मिलेगा। और इसी तरह से ये जो केस है सूदखोरी के केस, कि जो सूदखोर होते हैं वो महीने के 10-10% इंटरेस्ट लेते हैं, महीने के, साल के नहीं, महीने का 10% यानी साल का 100% 120% इंटरेस्ट हो गया, तो वो भी पूरा कैश ट्रांजैक्शन होता है, सबूत तो होता नहीं है। लेकिन यदि नार्को टेस्ट लो उस सूदखोर का तो फटाफट सबूत निकलेंगे कि उसने एक दो नहीं 100-200 आदमियों से इतना ही सूदखोरी लेके उनको एकदम कंगाल बना दिया और आत्महत्या के पॉइंट पे पहुंचा दिया, और अक्सर लोग आत्महत्या कर भी बैठते हैं। तो ऐसे केस में नार्को टेस्ट के द्वारा और सबूत ले सकते हैं। और जज के पास नार्को टेस्ट का पावर हो तो कितना मिसयूज होता है कि हमारे यहाँ नार्को टेस्ट लेना है या नहीं लेना जज के पास, जज डिसाइड करता है। तो जज ने क्या डिसाइड किया,
सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि जो आरोपी है एक्यूज्ड उसकी परमिशन के बिना नार्को टेस्ट नहीं होगा, यानी कि कसब जैसा आदमी आता है 100-200 को उड़ा देता है तो भी उसकी परमिशन के बिना नार्को टेस्ट नहीं हो सकता। जो कसब का नार्को टेस्ट हुआ वो ये जजमेंट आने के 4 महीने पहले हुआ था, वरना यदि ये जजमेंट 4 महीने पहले आया था तो कसब का भी नार्को टेस्ट नहीं होता। यानी कसब हो या हसन अली हो या ए राजा हो, ये जो एक्यूज्ड है उनके परमिशन के बिना नार्को टेस्ट नहीं लेना चाहिए, ऐसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं। 3 जज ने जजमेंट दिया था और जो एग्जिस्टिंग जज है सुप्रीम कोर्ट के जज है वो भी उसको कायम रखना चाहते हैं। उन्होंने इस जजमेंट, उनके पास पावर है, कापड़िया के पास पावर है कि वो इस जजमेंट को रिवर्स कर सके 5 जज की बेंच बिठा के, पर वो इस जजमेंट को रिवर्स करने की कोई उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। वो भी कहते हैं कि नहीं, एक्यूज की परमिशन के बिना नार्को टेस्ट नहीं हो जाए। तो ये कसब है या हसन अली है या जो जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, ए राजा हो या सोनपंखा गांधी हो या ये कलमड़ी, तो ये क्या भ्रष्ट लोग ऐसा कहेंगे कि हाँ मेरा नार्को टेस्ट लो? तो मैंने जो प्रोसीजर प्रपोज किया उसमें नार्को टेस्ट बाय मेजोरिटी अप्रूवल है और दूसरा नार्को टेस्ट बाय ज्यूरी है। अब आएगा, अक्सर मुझे कानून के विद्यार्थी मिलते हैं, पॉलिटिकल साइंस में बीए एमए के वो मिलते हैं, तो बोलते हैं कि भाई राइट टू रिकॉल जुडिशरी पे कैसे पॉसिबल है। मैंने बोला कि भाई अमेरिका में है राइट टू रिकॉल, तो क्या राइट टू रिकॉल में जुडिशरी में कहा? मैंने कहा है अमेरिका में राइट टू रिकॉल, गवर्नर है राइट टू रिकॉल, हाईकोर्ट चीफ जज है, टेक्सास में है, कैलिफोर्निया में है, कुछ 10-1 राज्यों में है राइट टू रिकॉल, डिस्ट्रिक्ट जज वहाँ प्रैक्टिकली हर एक जिले में है। तो पहले मेरे सामने देखते हैं कि भाई ये बात तो हमको बता ही नहीं हमारे पाठ्य पुस्तक लिखने वालों ने। तो ये पाठ्य पुस्तक लिखने वाले हैं वो चोर उचके बदमाश से कम नहीं होते, मैं उसे टेक्स्ट बुक माफिया बोलता हूँ। पाठ्य पुस्तक लिखने वाला जो बुद्धिजीवी होता है वो क्या सोचता है कि यदि मैंने पाठ्य पुस्तक में ज्यूरी सिस्टम के बारे में लिखा या राइट टू रिकॉल के बारे में लिखा तो मुझे टेक्स्ट बुक की पैनल में से मिनिस्टर निकाल देगा। और दूसरा, जो उसको ग्रांट मिलती है, वो अधिकतर आप टेक्स्ट बुक लिखने वाले देखो ना तो किसी न किसी एनजीओ से जुड़े होंगे, उसको अमीरों से ग्रांट मिलती है, तो मैं टेक्स्ट बुक में ये बात लिखूंगा राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट चीफ जज, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज या तो ज्यूरी सिस्टम, तो वो ग्रांट भी मेरी बंद कर देंगे। तो उस आदमी को टेक्स्ट बुक ऐसी लिखनी होती है ताकि अमीरों से या तो जो मिनिस्टर वगैरह है उससे उसकी एमिकेबल रिलेशन, उससे उसका संबंध अच्छा बना रहे। इसलिए भारत की एक भी कानून की टेक्स्ट बुक में या पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में या सिलेबस में आपको ज्यूरी सिस्टम या राइट टू रिकॉल जज के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो कुबुद्धिजीवी है यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी वगैरह, वो चाहते ही नहीं है कि विद्यार्थियों तक ये माहिती जाए। मैं यहाँ तक उन्हें कहा कि आप बोलते हैं कि ये चीज़ बकवास है तो लिखो टेक्स्ट बुक में कि भाई अमेरिका में ज्यूरी सिस्टम है और लिखो कि ज्यूरी सिस्टम बकवास है, गलत है ज्यूरी सिस्टम, आपको अपना ओपिनियन रखना हो तो रखो, पर ये इन्फॉर्मेशन सप्रेस क्यों कर रहे हो कि विद्यार्थियों को तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं जानी चाहिए कि अमेरिका में ज्यूरी सिस्टम है, विद्यार्थियों को तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं जानी चाहिए कि भाई अमेरिका में राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट चीफ जज है। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि 99% लोग तो जो मुझे मिले वो इसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये सच होना ही चाहिए। ये क्या कि एक जज आके चढ़ बैठा हम 100 करोड़ आदमियों के पास, होता कौन है कहने वाला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और बोलने वाला? भाई आज का यूथ है वो इस तरह का डोसाइल यूथ नहीं है कि जितने चाहे उतने डंडे मारे और हमें हाँ मिलाता जाए। तो ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल, ये कंसेप्ट उनको अपील करते हैं, इसलिए उनको इन्फॉर्मेशन ही ना दे जाए। इसलिए पाठ्य पुस्तक लिखने वाले जो कुबुद्धिजीव है वो उसे स्कूल में या उसके कॉलेजों के पाठ्य पुस्तक में लिखते ही नहीं है। दूसरा, जो टीवी चैनल वगैरह है वो तो आप जानते ही, एवरी न्यूज़ इज़ अ पेड न्यूज़, एवरी एडिटोरियल इज़ अ पेड एडिटोरियल, एवरी कॉलमिस्ट इज़ अ पेड कॉलमिस्ट। तो जो कॉलम लिखने वाले भी बुद्धिजीवी है, फिर वो अरुण शौरी हो या तो ये अंकलेश्वरी है, जितने भी कॉलमिस्ट है वो भी पब्लिक को राइट टू रिकॉल जज जो अमेरिका में है या दूसरे देशों में है और ज्यूरी सिस्टम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, क्योंकि वो देखते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन यदि उन्हें कार्यकर्ताओं को और पब्लिक में देनी शुरू की तो अमीर आदमी जो उसके कॉलम के को सब्सिडाइज कर रहा है वो बंद करा देगा। ये कॉलम का इकोनॉमिक्स क्या होता है कि मान लो मुझे अखबार में कॉलम चाहिए तो अखबार का मालिक बोलता है कि भाई इतना कॉलम है वो छाप दूंगा, पर बदले में तो मुझे इतनी एडवर्टाइजमेंट ला के दे, तो या तो मुझे इतनी एडवर्टाइजमेंट ला के देनी पड़ेगी या तो मेरा कोई इंडस्ट्री में कोई आका हो, मास्टर हो मेरा, या तो मेरा गॉडफादर हो, वो इंडस्ट्री है इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि अखबार वालों को करोड़ों की एडवर्टाइज दे रहा है हर साल की,
तो इंडस्ट्रियलिस्ट उस अखबार के मालिक को या टीवी चैनल वाले को फोन करेगा कि भाई ये मेरा आदमी है, मेरा ही चमचा है, इसका कॉलम तुम कल से शुरू कर दो। तो ये कॉलम का इकोनॉमिक्स होता है, एवरी वाई आई से एवरी कॉलम इज अ पेड कॉलम, कि वो कॉलमिस्ट का यदि कोई इंडस्ट्री में गॉडफादर या आका नहीं है तो उसका कॉलम है वो बंद हो जाएगा। तो उसको अपने गॉडफादर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है उसकी लिमिट में रहकर लिखना होता है। तो देश में अमीर आदमी, कोई देश में, अमेरिका के अमीर आदमी भी नहीं चाहते कि जूरी सिस्टम हो, अमेरिका में भी जो बड़े नेता है प्रेसिडेंट लेवल के, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, वो नहीं चाहते कि जूरी सिस्टम हो, क्योंकि जूरी है वो आम आदमी है, वो उनकी सत्ता में कटौती लाती है, बुरी सत्ता में, अच्छी सत्ता में नहीं, उनको गलत काम करने होते हैं तो जूरी उनके रास्ते में रोड़े अटका सकती है। इसलिए वो जो कॉलमिस्ट है अखबार में वो भी कभी जूरी सिस्टम के बारे में नहीं लिखेंगे। मैं पिछले 12 सालों से जूरी सिस्टम का प्रचार करता हूँ, तो अधिकतर हाईली लिटरेट लोग जो कि अखबार का पूरा कॉलम पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स मतलब जो एमिनेंट इंटेलेक्चुअल जो बोलते हैं, एमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स बुक लेते हैं, वो बुक पढ़ते हैं, वो भी बोलते हैं कि भाई हमें जूरी सिस्टम का जे भी पता नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि भाई दुनिया में एक ब्रह्मांड में ऐसे देश है जहाँ पे जजमेंट जज नहीं देता, पब्लिक देती है। मैंने कहा देती इतना नहीं, पिछले 250 साल से अमेरिका में जूरी सिस्टम चल रही है और इसलिए अमेरिका इतना मजबूत देश बना है। अब आप और आपको आप ये भी देखिए, आपको अभी भी कोई भी कानून की किताब ले लो, कोई भी वकील से बात करो या तो कोई जज से बात, जो कानून की किताब जिसने पढ़ी हो, लिखी हो या तो उसके टच में आता हो, उसे पूछिए कि भाई आपकी किताब में कभी भी जूरी सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा। एमए पॉलिटिकल साइंस वाले को पूछिए कि आपने राइट टू रिकॉल जज अमेरिका में है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। बीए पॉलिटिकल साइंस वालों को तो कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि उनको एक कंपैरेटिव गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव गवर्नमेंट में सब्जेक्ट का सिलेबस ही है कि अलग अलग देशों की गवर्नमेंट को कंपेयर किया जाए। तो जब अमेरिका और इंडिया की गवर्नमेंट का कंपैरिजन आता है तो उसमें जूरी सिस्टम नहीं होती, उसमें राइट टू रिकॉल नहीं होता, बस ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, बस बात खत्म। एक ही पॉइंट पे वो लोग बात खत्म कर देते हैं कि भाई यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। पर अमेरिका में जो जुडिशरी में मौलिक फर्क है कि जजमेंट वहाँ पे सिटीजन देते हैं, यहाँ पे जजमेंट जज देता है, जज उसका नेक्सस बन जाता है, वो अपने रिश्तेदारों को फेवर करता है, वो पॉइंट नहीं आता। अब जज सिस्टम से कास्टिज्म कैसे बढ़ता है कि मान लो मैं जज हूँ और मुझे बोला कि भाई जजमेंट देने हैं, तो मैंने अपने रिश्तेदार वकीलों के फेवर में जजमेंट देने शुरू कर दिए, एक के बाद एक के बाद एक। अब मेरे रिश्तेदार कौन होंगे, भाई मैं बनिया हूँ तो मेरे रिश्तेदारों में अधिकतर बनिया ही होंगे, दो चार शायद एक दो ब्राह्मण पटेल आ जाए, तो सोसाइटी में क्या परसेप्शन आएगा कि मैं कास्टिस्ट हूँ। असल में मैं कास्टिस्ट नहीं हूँ, गरीब बनिया आया तो थप्पड़ मार के भगा दूंगा। कास्टिज्म नहीं होता, ऐसा नहीं है कि जज है वो कास्टिस्ट है, या कोई भी अफसर, मिनिस्टर हो या जज हो या आईएएस आईपीएस हो, वो कास्टिस्ट नहीं होता। उसकी कास्ट का कोई गरीब आदमी आएगा तो दो थप्पड़ मार के भगा देगा, पर वो नेपोटिक होता है, वो यारों दोस्तों को फेवर करता है, अपने दोस्तों को, और उसके दोस्तों में अधिकतर उसके कास्ट के होना स्वाभाविक है। और इससे सोसाइटी में कास्ट का कॉन्सेप्शन क्रिएट होता है और पूरी सोसाइटी में कास्टिज्म का परसेप्शन आने की वजह से एक आम अपर कास्ट के आदमी और आम लोअर कास्ट के आदमी भी दुश्मनी हो जाती है। तो ये नेपोटिज्म है जो कास्टिज्म के परसेप्शन को मजबूत बनाता है और कास्टिज्म की समस्या को मजबूत बनाता है। और नेपोटिज्म कैसे खत्म किया जाए अदालत के अंदर, जो है एक तो रिक्रूटमेंट बाय रिटर्न एग्जाम ओनली, रिक्रूटमेंट बाय रिटर्न एग्जाम ओनली, यानी कि इंटरव्यू होना ही नहीं चाहिए, और ये जूरी सिस्टम। अब दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी है या ग्रुप है, उनका राइट टू रिकॉल या जूरी सिस्टम के बारे में क्या मानना है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, सीपीएम है, आज़ादी बचाओ आंदोलन में एक राजीव दीक्षित जी राइट टू रिकॉल के समर्थक थे, लेकिन आज़ादी बचाओ आंदोलन में राजीव दीक्षित के सिवा सारे सर से पांव तक हमेशा राइट टू रिकॉल के विरोधी रहे। आरएसएस, फिर ये कांग्रेस, सीपीएम, मायावती, समाजवादी दल, ये सब जूरी प्रथा के विरोधी हैं और राइट टू रिकॉल के विरोधी हैं, सब एक से बढ़कर एक। वो अपने कार्यकर्ताओं को आदेश देते हैं कि राइट टू रिकॉल का प्रचार बंद करो, जूरी सिस्टम का प्रचार बंद करो, आपको विश्वास नहीं होता तो आप उनको फोन करके पूछ लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी भी राइट टू रिकॉल जज के विरोधी है, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज का उन्होंने विरोध किया, राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट चीफ जज का, आप उनको फोन करके पूछ सकते हैं। अब अक्सर ये बात कही जाती है कि नहीं अच्छे आदमी लाओ
जो पुराने जमाने में सतयुग में हुआ करते थे या द्वापर युग में हुआ करते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे आदमी है, सिस्टम का इम्पोर्टेंट होता है। इसमें मैं आपको ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ हस्तिनापुर का केस सुनाऊं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ हस्तिनापुर में उस समय चीफ जस्टिस थे जस्टिस धृतराष्ट्र, और नेपोटिज्म उस समय भी था जुडिशरी में कि उनका लड़का एक क्राउन चीफ जस्टिस था, मतलब कि उनके मरने के बाद वो क्राउन चीफ जस्टिस दुर्योधन। तो भाई सुप्रीम कोर्ट होता है देश के काम के लिए, वहाँ उन्होंने जुए खेलने शुरू कर दिए। जुआ खेलना है तो क्लब में जाकर खेलो, सुप्रीम कोर्ट में खेलते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ हस्तिनापुर में वहाँ जुआ खेलना शुरू कर दिया, और जस्टिस दुर्योधन और उसके सामने दूसरे राज्य के जस्टिस युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे। और बाकी जब द्रौपदी की वहाँ पे पब्लिक में जो छेड़खानी हुई, तो आप देखिए उस समय प्रोफेसर डॉक्टर द्रोणाचार्य सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने जस्टिस दुर्योधन को सपोर्ट किया, विरोध नहीं किया। आप महाभारत पढ़ लीजिए, प्रोफेसर डॉक्टर वेदव्यास ने जो महाभारत लिखी आप पढ़ लीजिए। प्रोफेसर डॉक्टर द्रोणाचार्य ने कोई विरोध नहीं किया, कुछ नहीं तो कम से कम वो रेजिग्नेशन की धमकी तो दे सकते थे कि भाई मैं उनके पास हथियार भी थे, वो मारपिटाई की धमकी भी दे सकते थे। सारे हथियारों का ज्ञान था, ब्रह्मास्त्र से लेके छोटे मोटे तीर से लेके ब्रह्मास्त्र तक सारे। वो दुर्योधन को मारपिटाई की धमकी भी दे सकते थे कि भाई द्रौपदी को छोड़ दो वरना मैं ब्रह्मास्त्र चला दूंगा। पर प्रोफेसर डॉक्टर द्रोणाचार्य देखते रहे, उन्होंने दुर्योधन को इनडायरेक्टली सपोर्ट दिया। जस्टिस धृतराष्ट्र ने भी अंदर से सपोर्ट किया, कोई विरोध नहीं किया। जस्टिस भीष्म भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने भी जस्टिस दुर्योधन का कोई विरोध नहीं किया। और वो को सारे बुद्धिजीवी उस समय जो वहां पे थे, उन्होंने क्या देखा कि भाई द्रौपदी अब तो आम नागरिक है, क्योंकि वो दासी बन चुकी थी, मतलब गुजराती में बोले तो टूटी गई पार्टी। कि अब पहले वो अमीर घराने से थी लेकिन वो सब राजपाट हार चुके थे, अब इस आम नागरिक का हमें क्यों साइड लेना। यानी मेरा पॉइंट क्या है कि जब न्यायाधीश यदि जस्टिस दुर्योधन या तो जस्टिस धृतराष्ट्र या कोई भी जज जब किसी आम आदमी की छेड़खानी करेगा, उसको लूटेगा या दमन करेगा, तो जितने भी बुद्धिजीवी है वो जस्टिस को सपोर्ट करेंगे, आम आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और वो आप प्रोफेसर डॉक्टर द्रोणाचार्य के स्टैंड से देख सकते हो क्यों उन्होंने सपोर्ट किया। ये भी देखने की बात है कि प्रोफेसर डॉक्टर द्रोणाचार्य ने क्यों जस्टिस दुर्योधन को सपोर्ट किया, कि एक तो वो हस्तिनापुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। जितने भी बुद्धिजीवी होते हैं आप देखो, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पोजीशन से या प्राइवेट पोजीशन से जुड़े होते हैं। उन्होंने देखा कि उसने मेरे को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नौकरी से निकाल दिया तो मेरी आमदनी कम हो जाएगी, साथ में वो हो सकता है सेल्फ फाइनेंस कॉलेज भी चला रहे हो, साइड में ट्यूशन क्लास भी चला रहे हो। और उनके सामने वो एकलव्य की फाइल थी, उन्होंने जो एकलव्य का अंगूठा कटवाया उसमें दलित एट्रोसिटी का केस हो सकता था, और एकलव्य की उम्र 18 साल से कम थी, यानी वो माइनर था, और माँ बाप को बुलाए बिना उसने ये किया तो चाइल्ड एट्रोसिटी का केस भी हो सकता था। तो प्रोफेसर डॉक्टर द्रोणाचार्य डर गए कि यदि मैंने जस्टिस दुर्योधन का विरोध किया और जस्टिस दुर्योधन ने वो एकलव्य की फाइल खोल दी तो बेकार में मेरे को 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। इसलिए सारे बुद्धिजीवी होते हैं वो हमेशा बड़े आदमियों की साइड लेते हैं, वो कोई आम नागरिक के लिए नहीं आता। और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ हस्तिनापुर में जो ये छेड़खानी का केस बना उससे स्पष्ट साबित होता है। इसलिए यदि आम नागरिक को अदालत सुधारनी है तो उसे बुद्धिजीवियों को साफ साफ मानना चाहिए कि एक भी बुद्धिजीवी तुम्हारे काम नहीं आएगा। सोसाइटी का प्रोफेसर हो या जर्नलिस्ट हो या गवर्नमेंट का आदमी हो, 1-2% अच्छे होंगे, वो मैं नहीं मना करता, 1-2% उनमें भी अच्छे होते हैं, पर 2-3% लिमिट हो गई। एक भी बुद्धिजीवी तुम्हें ये अदालत सुधारने के काम में नहीं आएगा। जो काम अदालत सुधारने का है वो हम आम आदमियों को ही करना है, वो हम कार्यकर्ता को ही करना है, कोई नेता अधिकारी बुद्धिजीवी तुम्हें इस काम में नहीं आएगा। अब जुडिशरी का जो वर्तमान जुडिशरी का रवैया क्या है कि कोई आदमी जुडिशरी के भ्रष्टाचार के बारे में बोलता है तो उसे कितना परेशान किया जाता है। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था, उसने पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में, सारे राज्यों में नहीं अलग अलग राज्यों में, कुछ 12 राज्यों में उसने सर्वे लिया। उसने लोगों से पूछा कि भाई पुलिस के भ्रष्टाचार के बाद में आपका क्या रवैया, क्या आपको ओपिनियन है, जुडिशरी के भ्रष्टाचार के बारे में क्या है, हॉस्पिटल के बारे में, सबके बारे में उसने पूछा। तो जुडिशरी उसमें दूसरे नंबर पर आई। तो मैं तो बोलता हूँ जो मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक यानी हमारे बुद्धिजीवी मूर्ति पूजक है,
मूर्ति पूजक यानी न्यायमूर्ति पूजक, न्यायमूर्ति की पूजा करने वाले बुद्धिजीवी है वो न्यायमूर्ति को भगवान मानते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि भाई तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारे लड़के सेकंड नंबर पे पास हुए, गाँव में पेड़े बांटो। तो जुडिशरी का तो उसने जो सर्वे लिया था, सर्वे का उसने रिपोर्ट पब्लिश किया कि भाई आम आदमी कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा करप्ट डिपार्टमेंट पुलिस है और दूसरे नंबर पे जुडिशरी आती है। तो वो आर्मी ऑफिसर दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर के कोर्ट ने कंटेंप्ट का नोटिस निकाला। मतलब देखो यहाँ साफ साफ दिखता है मोटिव ऑफ द जज कि उस आदमी को परेशान करना है। भाई उस आदमी वो कोई क्रिमिनल तो है नहीं, वो दिल्ली में है, वो जम्मू कश्मीर गया नहीं है, जम्मू कश्मीर में वो सर्वे ले नहीं पाया था, लिया नहीं था, ले नहीं पाया था। और वो दिल्ली में है तो दिल्ली में कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है जहाँ उसके सामने केस चला जाए। क्यों उसको जम्मू कश्मीर धक्का खिला रहे हो? वो हैरेसमेंट का केस है कि कोई भी आदमी जुडिशरी के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने की कोशिश करता है तो जुडिशरी उसे सर से पांव तक हैरेस करती है, प्रताड़ित करती है कि भाई चुप रह तू, खबरदार तूने जुडिशरी के करप्शन या नेपोटिज्म के बारे में कुछ बोला। अब जो बाकी मैंने आपको बताया जूरी सिस्टम के बारे में, कुछ और छोटे पॉइंट है कि कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए वेलटेक्स जरूरी है ताकि कोर्ट के पास पैसा आए। फिर 1,00,000 अदालतों की ज़रूरत है। अभी हिंदुस्तान में कुछ 18,000 जितने अदालत है और 3 करोड़ केस है। यदि 3 करोड़ केस को 3 साल में निपटाना है, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया, 3 करोड़ केस मान लो 3 साल में निपटाना है, यानी कि 1 करोड़ केस 1 साल में निपटाना है। अब एक अदालत मान लो 100 जजमेंट भी देती है तो इसका मतलब हमें 1,00,000 अदालत चाहिए, और 1,00,000 अदालत के लिए इतना स्टाफ चाहिए और इतना मतलब समन्स भेजने के लिए कॉन्स्टेबल चाहिए। और भी सिस्टम शुरू करने पड़ेंगे कि कोई भी आदमी है वो अपने आप को रजिस्टर करे कि भाई मैं अपना समन्स वेबसाइट से डाउनलोड कर लूँगा या ईमेल से भेज सकते हो, तो उसको समन्स ईमेल से भेजा जाए। उसका फ़ायदा क्या है कि यदि मैं अपने आप को रजिस्टर करता हूँ तो लोग मुझसे बिजनेस करने को तैयार होंगे कि भाई ये आदमी यदि क्राइम करता है तो चलो मेरे को समन्स भेजने होंगे तो कोर्ट इसको ईमेल से भेज देगी। तो कभी कभी समन्स पहुंचने में 1 साल निकल जाता है। बहुत सारे अदालत में ऐसे ऐसे केस है जो कि 1-2 साल तक पड़े हुए हैं और आदमी को अभी तक समन्स नहीं भेज पाए, और उसका कारण जज का भ्रष्टाचार हो, पुलिस का भ्रष्टाचार हो, जो पर वो प्रॉब्लम है वो ये इलेक्ट कि समन्स ईमेल से भेजे जाए उस प्रकार की व्यवस्था से कम हो सकती है। दूसरा जो मेरा सजेशन है जो सारे बुद्धिजीवियों को करंट देता है वो है कि कानून का विषय 5th class से पढ़ाना चाहिए। जब भी माँ बाप अगर माँ बाप बोले 6th class है तो 6th class है, माँ बाप बोले 10th class है तो 10th class है, माँ बाप से झगड़ा नहीं करना है। पर माँ बाप बोले कि भाई मेरे लड़के को 1st standard से कानून सिखाओ या 5th standard से कानून सिखाओ तो उसे 5th standard से कानून सिखाना चाहिए। सारे बुद्धिजीवी या कुबुद्धिजीवी इसके विरोधी है कि नहीं आम नागरिक को कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी चाहिए। LLB में तो देनी पड़ेगी क्योंकि वकील चाहिए कोर्ट चलाने के लिए, इसलिए देनी पड़ेगी, इसलिए LLB में कानून सिखाओ। लेकिन वो 12th के लड़के को भी बोलते हैं कि कानून नहीं सिखाना चाहिए। कॉलेज में जो BA BCom BSc BE BTech कर रहे हैं उनको भी कानून नहीं सिखाना चाहिए। तो ये कुबुद्धिजीवियों की आज की नहीं 100 साल पुरानी रीत रही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मैं उन्हें कमीना आदमी मानता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर जो जनमन गण है वो उसने नोबेल प्राइज चाहिए था, इसलिए उसने शहनशाह की तारीफ में लिखा कि तुम हमारे भगवान हो, तुम्हारी वजह से हिंदुस्तान उठ के तुम्हारा आशीर्वाद मांगता है वगैरह, जो उसने गाना लिखा था। जनमन बैन होना चाहिए, गवर्नमेंट प्लेस पे बैन कर देना चाहिए और उसकी जगह वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रगीत होना चाहिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी शांति निकेतन में कानून के विषय पर पाबंदी लगा रखी थी कि विद्यार्थियों को कानून का शिक्षण नहीं मिलेगा। और आज के बुद्धिजीवी भी यही बोलते हैं कि विद्यार्थी को कम से कम गणित सिखाओ, कम से कम विज्ञान सिखाओ, कम से कम इंजीनियरिंग, हथियार चलाने का तो शिक्षण देना ही नहीं चाहिए, नेल कटर चलाने का शिक्षण दिया बहुत हो गया, और कानून का शिक्षण भी नहीं देना चाहिए कि उनको पता नहीं चलना चाहिए कि IPC क्या होता है, बेल किसे कहते हैं, जज किसे कहते हैं, मैजिस्ट्रेट और जज में क्या फ़र्क है, पुलिस के क्या पावर होते हैं, एविडेंस एक्ट क्या होता है, ये कोई भी जानकारी आम नागरिक तक नहीं होनी चाहिए। और मेरा सजेशन है कि कानून का एजुकेशन 5th standard से होना चाहिए। और जितने आप MP से मिलोगे तो जो MP ऑपोजिशन में है वो लो एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो जब पावर में थे तब उन्होंने ये कुछ नहीं किया। जैसे कि मैंने अहमदाबाद में सुब्रमण्य स्वामी की स्पीच सुनी थी तो उन्होंने बोला था कि कानून का एजुकेशन स्कूल से शुरू होना चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई आप 1977 में मिनिस्टर रह चुके, उसके बाद 1989-99 में दोबारा मिनिस्टर बने थे, तो तब आपको साफ सुन गया था, तब आपने क्यों कुछ नहीं किया कानून को
एजुकेशन का सिलेबस मतलब 10th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड या 20th स्टैंडर्ड के सिलेबस में डालने के लिए। पर अब जब वो ऑपोजिशन में है तो कानून की एजुकेशन की बात करते हैं और जब वापस मिनिस्टर बनेंगे तो ये बात उनकी भूल जाएंगे। तो सारे बहुत सारे ऑपोजिशन के MP इस बात को सपोर्ट करते हैं लेकिन वो झूठे हैं। वो झूठे क्यों हैं कि भाई उनके राज्यों में राज्य सरकारें हैं उनके पार्टी की, वहाँ क्या कानून का एजुकेशन दिया जाता है 5th स्टैंडर्ड से या 6th स्टैंडर्ड से या 10th स्टैंडर्ड से? तो सारे MP अंदर से मिले हुए हैं, वो नहीं चाहते कि कानून का एजुकेशन दिया जाए। मेरी ये दरखास्त है कि कानून का एजुकेशन 5th स्टैंडर्ड से होना चाहिए। अब ज्यूरी सिस्टम आने से स्वदेशी का फायदा होगा, ये बात कुछ विरोधास्पद लगती है कि जो स्वदेशी में मानने वाले संगठन है, तो ये स्वदेशी जागरण मंच या आज़ादी बचाओ आंदोलन, उसमें दीक्षित जी राइट टू रिकॉल के समर्थक थे और ज्यूरी प्रथा का भी वो समर्थन करते थे, लेकिन बाकी सब लोग ज्यूरी प्रथा का विरोध करते हैं, आज़ादी बचाओ आंदोलन और स्वदेशी जागरण मंच दोनों। और ज्यूरी प्रथा आने से कैसे स्वदेशी को फायदा होगा कि ज्यूरी देखेगी कि भाई ये लोकल आदमी है और ये विदेशी कंपनी है, और कोई भी हिंदुस्तानी आदमी देखेगा कि भाई ये लोकल कंपनी है, इससे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, देश का पैसा देश में रह रही है, तो जहाँ तक यदि उसके सामने गलत केस डाले गए हैं स्वदेशी कंपनी के सामने, तो उस केस को खारिज कर देगी, ऑफिसर को फाइन लगा देगी। अमेरिका में ऑफिसर क्यों गलत केस डालने से घबराते हैं? क्योंकि ज्यूरी तो बरी कर ही देती है जिसके सामने गलत केस डाला, ऊपर से ऑफिसर को फाइन हो सकता है कि आपने इतना अनाप शनाप गलत केस क्यों डाला इस आदमी के खिलाफ। तो स्वदेशी आंदोलन में ये बहुत महत्व की भूमिका निभा सकती है। इसी तरह से जो टैक्स अथॉरिटी के हैरेसमेंट है, वैट डिपार्टमेंट है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, एक्साइज, वो ज्यूरी सिस्टम आने के बाद खत्म हो जाएगा। कि ज्यूरी देखेगी कि भाई ये आदमी एक छोटा मोटा कारखाना चला रहा है, एक्साइज वालों ने आके कारखाना बंद करा दिया, केस ठोक दिया इसके ऊपर, केस देखा उन्होंने, भाई केस तो कुछ नहीं है, ये आदमी तो एकदम ईमानदार है। अब ज्यूरी सोचेगी कि अब हमने इस आदमी की मदद नहीं की तो क्या होगा, ये आदमी फैक्ट्री बंद करके चला जाएगा, ये चला जाएगा, दूसरा चला जाएगा, तीसरा चला जाएगा, तो युवकों को एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? यदि युवक अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो गरीब हो जाएंगे, गुंडागर्दी पे आ जाएंगे, आवारागर्दी पे आ जाएंगे। इसलिए जो ज्यूरी होती है वो हमेशा एक उद्यमी व्यक्ति को आदर की नज़र से देखती है कि भाई ये उद्यमी व्यक्ति है, वो कुछ कारखाना चला रहा है, वो कुछ धंधा पानी चला रहा है, दुकान चला रहा है, तो उसकी वजह से हमारे आसपास के एरिया के युवकों को नौकरी मिल रही है, समृद्धि मिल रही है, उनको वो आवारागर्दी नहीं करते, गुंडागर्दी नहीं करते। इसलिए ज्यूरी हमेशा प्रो एम्प्लॉयर एटीट्यूड रखती है। फिर एम्प्लॉयर यदि शोषण कर रहा है तो अलग बात है, तो वो एम्प्लॉय का पक्ष लेगी, लेकिन गवर्नमेंट का ऑफिसर का अप्रोच अलग होता है। गवर्नमेंट ऑफिसर दो रीज़न से उसको परेशान करता है, एक तो उसको पैसा उगलवाना है, दूसरा कि कभी कभी जो बड़े उद्योगपति होती है मल्टीनेशनल कंपनियां वगैरह, वो अफसरों को रिश्वत देती है कि जाओ तुम छोटे उद्योगों को फैक्ट्री वालों को परेशान करो ताकि वो अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें ताकि हमारा धंधा बढ़े। तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। जब ज्यूरी को पता लगेगा कि भाई ये अफसर तो बड़ी कंपनियों के इशारे पे काम कर रहा है, और दिख तो जाए भाई रवैये से बात ठीक लगेगी कि भाई ये कानून तूने मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों नहीं लगाया जो इस छोटे आदमी पे ये कानून की एक के बाद एक सारी कलमें लगा रहा है, तो रवैये से पता लग जाएगा तो ज्यूरी ऐसे अफसर को दंड करेगी या तो नौकरी से निकाल देगी, तो अपने आप छोटे उद्योगपतियों का प्रोटेक्शन बढ़ेगा। जिस जिस देश में ज्यूरी प्रथा मजबूत है, ज्यूरी सिस्टम, वहीं पर छोटे उद्योगों को प्रोटेक्शन मिल पाया है। तो ज्यूरी सिस्टम आने से ये जो इंस्पेक्टर राज है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम, फिर प्रोविडेंट फंड, लेबर, ये सारा इंस्पेक्टर राज है, ज्यूरी सिस्टम आने से खत्म हो जाएगा और इससे देश में उद्योग बढ़ेंगे और विकास होगा। तो ये सारे मैंने आपको बैकग्राउंड दिया कि एक तो भारत में अदालतें, मैजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब भ्रष्ट हो चुकी है। हमारे बुद्धिजीवियों को अदालत सुधारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप किसी भी बुद्धिजीवी से पूछिए कि भाई मुझे एक पेज, दो पेज, तीन पेज का सॉल्यूशन दो कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का नेपोटिज्म बंद हो सकता है, तो वो तुरंत टॉपिक चेंज कर देंगे। एक तो पहले न्यायाधीशों का भ्रष्टाचार, वो बोलेंगे न्याय तंत्र की कमियाँ। भाई मैंने न्याय तंत्र की कमियाँ गिलाने को नहीं बोला, मैंने बोला कि जुडिशरी जज साहब के भ्रष्टाचार का उपाय दो, उनके नेपोटिज्म का उपाय दो, तो वो तुरंत टॉपिक बदल देंगे कि नहीं इस टॉपिक पे बहस ही नहीं होनी चाहिए, जुडिशरी की कमियां पे बात होनी चाहिए। फिर वो मुद्दा बनाएंगे सिर्फ एफिशिएंसी को कि देर होती है,
भाई देर होती है वो सचमुच एक मुद्दा है, पर इस बात का क्या कि उनके वकील रिश्तेदार वकीलों के फेवर में जजमेंट आते हैं और पैसे लिए जाते हैं जजमेंट देने के लिए। तो बुद्धिजीवियों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। आम आदमियों को करना पड़ेगा प्रॉब्लम कैसे, गैजेट में अच्छे कानून छपवा के। कौन से कानून? तो कौन से कानून में आपको जो कानून ठीक लगे। मैं जो सजेशन देता हूँ वो ये है, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, राइट टू रिकॉल हाई कोर्ट जज, राइट टू रिकॉल प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट जज, फिर राइट टू रिकॉल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नेशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर ज्यूरी सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, तीनों में पूरी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट हर जगह ज्यूरी सिस्टम होनी चाहिए, कहीं जज सिस्टम नहीं होनी चाहिए। और वेल टैक्स जमीन पे, ताकि पैसा मिल सके अदालतें खोलने के लिए, 1,00,000 अदालत खोलने की ज़रूरत है। और उसके बाद फिफ्थ स्टैंडर्ड से कानून का एजुकेशन डालना, जितने भी अदालत में अधिकारी काम करते हैं, न्यायाधीश, गवर्नमेंट ऑफिसर, सबके पास जो वेल्थ है वो इंटरनेट पर रखना, कौन से जज के पास कितनी वेल्थ है, उनके रिलेटिव के पास, जज के जितने रिश्तेदार हैं उनके भी वेल्थ के, और उनके रिलेटिव के पास जो कंपनियां और ट्रस्ट है, क्योंकि अधिकतर ये गवर्नमेंट ऑफिसर के रिश्तेदार क्या करते हैं, जो अपने नाम पर ज़मीन नहीं रखते वो ट्रस्ट बना लेते हैं, और ट्रस्ट के नाम पर 10-20 हज़ार करोड़ की ज़मीन भी हो सकती है, 50 करोड़ की भी हो सकती है। जैसे कि अडवाणी है, जिन्हें मैं एल्यूमिनियम पुरुष बोलता हूँ, अपने आप को वो लॉ पुरुष बोलते हैं, लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या आई तो एल्यूमिनियम पुरुष बन गए। नेशनल आईडी सिस्टम का कानून नहीं पास किया उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए, तो जो एल्यूमिनियम पुरुष है वो एफिडेविट पर लिखते हैं कि उनके पास 5 करोड़ की संपत्ति है। ठीक है, सही संपत्ति है उनके पास, एक घर था, लिया था उन्होंने 25-30 लाख में, आज उसकी मार्केट वैल्यू 1,01,00,000 हो गई, तो वो कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं हुआ, मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो बढ़ गई। तो उन्होंने बोला कि उनके पास 4-5 करोड़ की दौलत है, पर बाद में मुझे पता चला कि वो एक ट्रस्ट के ट्रस्टी है, कुशाभाऊ ठाकरे, और उस ट्रस्ट के पास ज़मीन है वो कुछ 40-50 करोड़ की है। तो ये एफिडेविट का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और जो ट्रस्ट का नाम उन्होंने लिखा ही नहीं एफिडेविट में, और कानूनी लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। पर जितने भी ये जज है, MP है, MLA है, गवर्नमेंट में IAS है, और उनके रिलेटिव के पास जो ट्रस्ट है, उनके ट्रस्ट और उनके रिलेटिव के ट्रस्ट, वो ट्रस्ट के पास कितनी ज़मीन है, कितनी प्रॉपर्टी है, वो भी वेबसाइट पे आनी चाहिए। और सिटीज़न को इन्वॉल्व किया जाए लॉ की प्रोसेस में, तो ज्यूरी सिस्टम तो है कि ज्यूरी समन्स आते हैं तो आदमी को जाना पड़ता है, प्लस प्रोसिक्यूशन समन्स, जो मैं बोलता हूँ कि अदालत में कोई केस चल रहा है तो नागरिक को समन्स भेजे जाएंगे कि भाई आपको कोर्ट में अटेंड करना पड़ेगा ये ट्रायल, वहाँ पे गवाह या वो ना विटनेस है, ना गवाह है, ना एक्यूज्ड है, ना विक्टिम है, पर आपको कोर्ट का ट्रायल अटेंड करना पड़ेगा, ताकि नागरिक है वो अदालतों के कॉन्टेक्ट में आए, अदालतों से प्रति उसका डर खत्म हो, उसके उसका परिचय बढ़े अदालतों से। तो कंपल्सरी अटेंडिंग द कोर्ट ट्रायल, इस तरह से कि भाई हर एक नागरिक को हफ्ते में कम से साल में कम से कम 6 दिन कोर्ट का ट्रायल अटेंड करना पड़ेगा। उसमें यदि वो बिजी है तो चलो दूसरे दिन आए, उस दिन वो काम नहीं आ सकता, किसी काम में फंसा हुआ तो दूसरे, तीसरे, चौथे दिन आए, पर साल में कम से कम 5-6 दिन उसे कोर्ट के ट्रायल अटेंड करने पड़ेंगे, कोर्ट का चीज़ उसको समझने की कोशिश, और अधिकतर लोग इसमें रुचि भी लेंगे, क्योंकि हर एक आदमी को पता है कि किस्मत का कोई भरोसा नहीं कब उसको कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। तो इस तरह से हम नागरिक और कार्यकर्ता बिना नेता और बड़े नेता की मदद के बिना कानून सुधार, अदालतें सुधार सकते हैं। जहाँ तक मेरा बड़े नेताओं का मैंने स्टडी किया, अन्ना हो या छोटे अन्ने हो या सुब्रमण्यम स्वामी हो, या उनको भारत की अदालत सुधारने में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, और काफ़ी लोगों ने पूछा उनको, मेरा उनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनके वॉलेंटियर से पूछा कि भाई आपके नेता है वो कुछ ड्राफ्ट दे सकते हैं कि जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज का नेपोटिज्म कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, हाई कोर्ट के जज का भ्रष्टाचार नेपोटिज्म कम हो, तो वो बोलते हैं कि वो ड्राफ्ट देने से मना कर रहे हैं कि सिर्फ बस मैं अदालत में जाऊंगा, केस करूंगा, तुमको बस केस के बारे में अखबार में पढ़ना है और तालियां बजानी है, और दूसरे कि मैं लोकपाल के नाम पर अनशन पर बैठूंगा, मैं अनशन पर बैठूंगा तो मैं भीड़ इकट्ठा करके मेरी जय जयकार कर दूंगा, कि अदालत सुधारने के लिए हम कोई गजट नोटिफिकेशन वगैरह नहीं देंगे। तो इसलिए हम कार्यकर्ताओं को ही एक ऐसे नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट पढ़ के और लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और इसके और यदि हमने अदालत नहीं सुधारी तो आम आदमी है वो
विक्टिम बनता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम का विक्टिम बनता जाएगा, वो सोसाइटी के प्रति उसकी नफरत बढ़ती जाएगी, देश के प्रति उसकी उसका स्नेह प्यार जो भी कहो वो कम होता जाएगा, फिर हम कहेंगे कि राष्ट्रीयता कम हो गई। लेकिन यदि अदालतें यानी राष्ट्र का महत्वपूर्ण हिस्सा पुलिस अदालत यदि वो नागरिकों को प्रताड़ित करती है, नागरिकों की मदद नहीं करती, तो नागरिक की राष्ट्र के प्रति आस्था कम ही हो जाएगी। हमें जिन जिन देशों में अदालतों में भ्रष्टाचार कम है वहाँ पेट्रियोटिक वैल्यूज ज़्यादा है, वहाँ के लोग ज़्यादा नेशनलिस्ट होते हैं। जैसे अमरीका है तो वहाँ के लोग काफ़ी पेट्रियोटिक है, जापान तो वहाँ के लोग काफ़ी पेट्रियोटिक है। क्यों? क्योंकि उनको कोई परेशान करता है, गुंडा या सरकारी अधिकारी, तो अदालत उसकी मदद करते हैं, पुलिस उसकी मदद करती है, तो उनमें पेट्रियोटिज्म बना रहता है। और जिन जिन देशों में अदालत और पुलिस में भ्रष्टाचार है, नेपोटिज्म है, वहाँ के देश लोगों के देश में आप वहाँ के देश के लोगों में आप देखोगे तो राष्ट्रवाद नेशनलिज्म कम है। तो इस तरह से हम अदालतें बचा सकते हैं। धन्यवाद।